ओम नमः शिवाय। भगवान सदाशिव आपका कल्याण करें। स्वागत है आपका हमारे ट्रू मीडिया ज्योतिष विज्ञान के कार्यक्रम में। आज का विषय है, एक हमारे सज्जन ने यह पूछा है कि शनि क्या है, शनि का प्रकोप क्या है। आज जनमानस में शनि का एक ऐसा डर बैठ गया है कि हर जगह शनि का प्रकोप, शनि ये करता है, शनि तबाह करता है, शनि बर्बाद कर देगा, शनि ये कर देगा। ऐसा नहीं है, मैं यही आपको बताता हूँ। शनि एक न्यायप्रिय देवता हैं, न्यायाधीश हैं, और एक न्यायाधीश कभी भी किसी से शत्रुता नहीं रखता। और वह तो शनि तो एक देव हैं, और एक देवता व्यक्ति से शत्रुता क्यों रखेगा? पर शनि है, नहीं रखेगा। एक देवता, वह तो एक न्याय करते हैं। अब आपको शनि हमारे शरीर पर और शनि का प्रकोप क्या, जैसे कि अभी बीच में आया था कि शनि उठकर तुम्हारे पास थोड़े चला आता है, शनि तो ब्रह्मांड में इतना दूर है, शनि ऐसे है। तो आज हम इसी को लेकर के, वैज्ञानिक कारण को लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। देखिए, अब हम ये बताते हैं शनि के हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव पड़ता है। सबसे पहला उदाहरण देता हूँ कि हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस या 98 पॉइंट कुछ होता है, वह डिग्री फारेनहाइट होता है। यानी कि इसका मतलब है हमारे शरीर में भी प्रकाश है, हमारे शरीर में भी एक होरा मंडल निकल रहा है, हमारे शरीर से भी प्रकाश की किरणें निकल रही हैं। आप अगर आपको टेम्परेचर कम है तो भी आप बीमार होते हैं, टेम्परेचर ज़्यादा है तो भी बीमार होते हैं। तो हमारे मस्तिष्क के चारों ओर एक होरा मंडल घूमा हुआ है जो कि हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि प्रकाश बहुत कम है, प्रकाश ज़्यादा में वो क्षीण होता है। लेकिन और शनि ग्रह एक काला ग्रह है। शनि ग्रह के अंदर मीथेन गैसों का अपूर्व भंडार है। अब आप जो साइंस को जानते हैं वह समझेंगे इस बात को कि प्रकाश की किरण सदैव सीधी रेखा में चलती है, और जहाँ भी यह चलती है वहाँ से टकरा कर यह परावर्तित होती है। इसका आपको सबसे अच्छा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आपका सूर्य की किरणें आप छांव में रखेंगे शीशे के सामने, तो उसकी किरणें दूसरी जगह जा करके आपको वह प्रकाश मिलता है। तो प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं, जब सूर्य की किरणें सीधी की सीधी जब सूर्य प्रकाश से टकराती हुई जाकर शनि ग्रह से टकराती हैं, तो वो मीथेन गैस से टकरा करके जब वह सीधी वापस पृथ्वी की तरफ भी कुछ परावर्तित होकर पहुंचती हैं। वह परावर्तित किरणों के अंदर शनि ग्रह के अंदर उपयुक्त जो मीथेन गैस के भंडार हैं या अन्य गैसों के भंडार हैं, वह उन किरणों के साथ हमारे शरीर पर आते हैं। और हमारे शरीर पर जब आते हैं तो वो हमारे होरा मंडल से, हमारे शरीर से टकराते हुए बाहर निकलते हैं। तो यही शनि का प्रभाव होता है। यह शनि का प्रभाव कैसे होता है, आप देखिए, आपने बताया। अभी एक बात और बताता हूँ कि शनि काला क्यों है। काला इसलिए है कि वह ज़्यादा ठंडा हो गया। जैसे कि उदाहरण देता हूँ, एक बुध ग्रह बिल्कुल नीला दिखाई देता है, नीली यानी कि आग, बहुत तेज रोशनी, सूर्य के नज़दीक है, इसलिए वह गैसीय अवस्था में है। हमारी ये पृथ्वी है, एक ठंडी हो चुकी है, इस पर जीवन हो गया है। लेकिन बृहस्पति है, पीला दिखाई देता है, यानी कि एक अग्नि जो है ना, जैसे लकड़ी आप जलाते तो पीली धीमी जल रही, यानी कि बुध के मुकाबले जैसे एकदम तेज अग्नि है तो उसके अंदर ठंडी है, बृहस्पति ग्रह के अंदर तो वह धीमे जल रहा है। जैसे मंगल है, मंगल लाल क्यों हमारे को दिखाई देता है, लाल इसलिए दिखाई देता है कि जब आप अग्नि के प्रकट होना बंद हो जाता है तो वो कोयला होता है, तो कोयला लाल होता है, इसलिए वो दिखाई दे रहा है। इसीलिए शनि ग्रह जो है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, इसीलिए उसकी गति भी आज ये लगाइए कि सूर्य की एक चक्कर परिक्रमा में वह 30 साल लगा लेता है, इसलिए वो धीमी गति से चल रहा है। तो वहाँ पर मीथेन का भंडार जो हमारे शरीर पर टकराता है वह पार करता है। तो ये शनि ग्रह से जो आती हुई किरणें जो हैं हमारे शरीर पर कैसे प्रभाव डालती हैं। शनि ग्रह हमारे को, मानव को साहस में, संकट में आपको बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं तो उनसे लड़ने की, उनसे विजय पाने की जो प्रेरणा मिलती है तो वो है शनि ग्रह से जो आती हुई परावर्तित किरणों के द्वारा ही मिलती है। जब यह परावर्तित किरणें मानव मस्तिष्क पर, मानव के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं तो वह चिड़चिड़ा होने लगता है। चिड़चिड़ाहट शनि का प्रकोप ही वैसी है कि ज़्यादा के मात्रा में मिल रही है तो वह चिड़चिड़ा होने लगता है। चिड़चिड़ा होता है तो सबसे पहले वह घर में ही
वाद विवाद होने लगता है, घर का वाद विवाद बाहर जाता है, बाहर जाता है तो वह वाद विवादों में घिरने लगता है, मानसिक तनाव में रहने लगता है। इसके कारण उसके जो भी कार्य हैं वह सारे के सारे अपसेट होने लगते हैं, सारे के सारे डिस्टर्ब होने लगते हैं और वह मानसिक तौर पर डिस्टर्ब हो जाता है। तो और अगर यही शनि ग्रह के से आती हुई किरणें, शनि से आता हुआ प्रकाश उसे कम मिलेगा, अगर मानव को ना मिले तो वो एक चूहे जैसे छोटे से जीव को भी देख करके आत्महत्या कर सकता है डर के मारे। क्यों? उसके अंदर साहस नहीं होगा, हौसला नहीं होगा, शक्ति नहीं होगी। तो शनि की जो इन प्रकाश का जो हमें कॉम्बिनेशन, एक ज्योतिषाचार्य क्या करता है वह इसी बात का अध्ययन करता है कि इसको शनि का प्रकाश ज़्यादा मात्रा में मिल रहा है या इसे कम मात्रा में मिल रहा है। तो जो सही मात्रा में मिलने के प्रकाश का अन्वेषण करके ही वह इसके उपायों का और इसका निर्धारण करता है। शनि एक प्रलयकारी विघटनकारी ग्रह नहीं है और शनि के द्वारा से ही जैसे कि उड़द की दाल है, काला रंग है, काला रंग जो है ये इसका प्रतिनिधित्व भी शनि ही करता है। जो भी हमारे संसार में काली चीज पाई जाती है इसमें मुख्य घटक और मुख्य योग शनि का ही है, क्योंकि शनि कार्बन का भी एक रूप है। तो शनि से मैं सबसे यही कहूँगा कि शनि से आप डरना छोड़ दीजिए। शनि के बारे में एक बात और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी बताता हूँ कि शनि से आती हुई किरणें एक विशेष कार्य करती हैं कि जो आप कर रहे हो उसको ये बढ़ाती हैं। अर्थात अगर आप खुश हैं और शनि की इन किरणों और आप मेल मिलाप के साथ चल रहे हैं तो वह बढ़ेगा। अगर आप डिस्टर्ब हो गए और आपके घर में कलेश है या आप चिड़चिड़े हैं तो शनि की ये किरणें उसे और ज़्यादा बढ़ावा करती रहेंगी। यानी कि शनि की एक विशेषता और खासियत है कि आप जो भी कर रहे हैं उसको वो बढ़ाएंगी। तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पर निर्णय लेना चाहिए कि इसका एक कुछ उपाय भी छोटे बताता हूँ मैं कि इसको किरणों का खेल है ये सारा के सारा। इसको परावर्तित करने के लिए आप काली पैंट भी पहन सकते हैं, साधारण सा उपाय है। काली पैंट आप पहनेंगे तो शनि की जो किरणें आ रही हैं, सारे विज्ञान जो विज्ञान से संबंधित लोग हैं वे मेरी बात को अवश्य समझ जाएंगे कि काले रंग में ही एक परावर्तित किरणों को सोखने की शक्ति होती है। तो जो शनि से आती हुई किरणें हैं वो काले रंग, उड़द की दाल है, ये इसे खाने से उसकी किरणों का प्रभाव को कम कर देता है। तो शनि एक ऐसा नहीं है कि शनि एक प्रलयकारी है, आपका विनाश करता है, शनि ये करता है वो करता है। तो शनि से मैं कहूँगा कि डरने की आवश्यकता नहीं है। डरता वही है जिसके कर्म अच्छे ना हों। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, आप सही हैं, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। क्यों? क्योंकि शनि के से आपकी शत्रुता नहीं है, शनि आपको दुश्मन नहीं मानता है, शनि तो सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब से उसका फल प्रदान करता है। शनि किसी का कोई भी अहित नहीं करता। अभी तो मैं आखिर में यही कहूँगा कि जो आप शनि का जो डर बैठा हुआ है अपने दिल से, शनि का डर निकालिए और अपने कर्मों को पर ध्यान दीजिए, शनि आपका कभी अहित नहीं करेगा। इसी के साथ ज्योतिष की और अधिक जानकारी के लिए हमारे ट्रू मीडिया चैनल को लाइव करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्योतिष से संबंधित आप कोई समस्या या कोई जानकारी चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।